जिन लोगों ने ये कहना शुरू किया, लगातार जहर उगलना शुरू किया था कि ये देश गंगा जमुनी तहजीब की है, इस देश में अत्याचारियों ने यदि गलती कर दी तो क्या हुआ, और लोग मानने को तैयार नहीं था, उन सबका एक आता हुआ करता था इरफान हबीब। इरफान हबीब इतिहासकार, नेहरू का और उसके बेटी के दौर में ऐसे ऐसे लेफ्ट लिबरल जहरीले वामपंथियों के हाथों इतिहास दे दिया गया, तभी हमने, हमारे पीछे की तीन चार पीढ़ियों ने वो इतिहास पढ़ा, वो इतिहास पिलाया गया जो झूठ और मक्कारी का था, उसका महिमा मंडन किया गया। मुगलों के का महिमा मंडन करने वाला, सबसे बड़ा इतिहासकार बनने वाला इरफान हबीब अब घुटने के बल है। ये वही जहरीला इरफान हबीब है जिसने केरल के राज्यपाल के साथ बदतमीजी की थी, आरिफ मोहम्मद खान के साथ मंच पे बदतमीजी की थी। इसकी अकड़ अब ढीली हुई है, जिस तरह से मां पर कविता पढ़ाने वाला उस चिरकुट का हुआ था। जरा इरफान हबीब को सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे दौर बदल रहा है। इस बुढ़ऊ ने जहर उगलना बंद कर दिया क्या? नहीं, ऐसा था कि औरंगजेब के जमाने में मथुरा में, सर मथुरा और काशी को लेकर सर इतिहास क्या है, क्या यहाँ पे मस्जिदों को तोड़ के सर मंदिर बनवाए गए थे, सर क्या कहता है इतिहास? नहीं, ऐसा था कि औरंगजेब के जमाने में मथुरा में एक बहुत बड़ा मंदिर बना था वीर सिंह बुंदेला, जो जहांगीर के जमाने में बड़े राजा थे बुंदेलखंड के। तो मंदिर तोड़कर उन्होंने मस्जिद बनाई औरंगजेब ने, और यही काशी विश्वनाथ के साथ बनारस में हुआ। वो इतना बड़ा मंदिर नहीं था, लेकिन बहरहाल तो इसमें तो दो राय नहीं है, ये तो तारीखों में ही लिखा गया है। अब ये कि वही बात जो अब सोचिए, आप कल्पना कीजिए, इससे पूछा जा रहा है कि मथुरा और काशी को लेकर के जो बात आ रही है, इतिहास कुरेदा जा रहा है, रिपोर्टर प्रवोक भी कर रहा है कि उससे क्या कुछ निकलेगा। तो ये उम्मीद कर रहा था रिपोर्टर की कुछ जहरीला बयान देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, छेड़छाड़ किया जा रहा है, लेकिन ये स्वीकार कर रहा है कि मथुरा और काशी में मंदिर था और बुंदेलखंड में भी की भी बात ये स्वीकार कर रहा है। अब इससे साफ हो गया कि इरफान हबीब जिसको पाला गया, कि ये लोग पाले गए, ये लोग मुगल इतिहास, आप जितने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते होंगे इसी इरफान हबीब का है। इरफान हबीबों ने ही इतिहास हमें बताया, हमारी पीढ़ी को, कि सचमुच मुगलों का महिमा मंडन जो मॉडर्न इंडिया का किया गया उस सब इन्हीं लोगों का था। अब वो इरफान हबीब बता रहा है, इन्हीं इरफान हबीबों ने राम मंदिर पर जहर उगला, पूरी इस तरह से मुगलों का महिमा मंडन किया। आरिफ मोहम्मद, अब देखिए इसका कद अपने आप को कितना बड़ा समझता था कि केरल के सिटिंग राज्यपाल से बदतमीजी केरल में जाके कराया था ये। अब उसका जहर दोबारा सुनिए, चीजें एकदम से आपको स्पष्ट हो जाएगी। मस्जिदों को तोड़ के सर मंदिर बनवाए गए थे, सर क्या कहता है इतिहास? नहीं, ऐसा था कि औरंगजेब के जमाने में मथुरा में एक बहुत बड़ा मंदिर बना था वीर सिंह बुंदेला, जो जहांगीर के जमाने में बड़े राजा थे बुंदेलखंड के। तो मंदिर तोड़कर उन्होंने मस्जिद बनाई औरंगजेब ने, और यही काशी विश्वनाथ के साथ बनारस में हुआ। वो इतना बड़ा मंदिर नहीं था, लेकिन बहरहाल तो इसमें तो दो राय नहीं है, ये तो तारीखों में ही लिखा गया है। अब ये कि वही बात जो इसमें कोई दो राय नहीं कि मंदिर तोड़ा गया, तारीखों में लिखा गया, मतलब इतिहास में लिखा गया, तब समझिए कि फिर इन लोगों ने किस तरह से फेक हिस्ट्री बनाई, किस तरह से इस देश के साथ षड्यंत्र किया, इस देश के साथ बड़ी साजिश की।